Dear students of class 7, today I am going to take chapter 3, Fiber to Fabric. In this chapter, we will discuss about the wool and silk. इस चैप्टर में हम लोग ऊन जो आपने देखा होगा जिससे स्वेटर बनता है एंड उलन फैब्रिक्स बनते हैं, शॉल बनते हैं, उस थ्रेड के विषय में हम लोग जानेंगे जो आपके बुक में मेंशन है। इस टेक्स्ट में सबसे पहले हम देखेंगे कि वूल जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं, वी ऑब्टेन दीज फाइबर्स मेनली फ्रॉम द एनिमल्स। एनिमल्स जो जिससे हमें मिलता है वो शिप है, याक है, लामा है एंड द अनदर वन अंगोरा गोट है। ये सारे एनिमल्स हैं जिससे हमें ये मिलता है। तो उल जो होते हैं वो एक्चुअली एनिमल्स के हेयर्स होते हैं। तो इन हेयर्स को कब उनके बॉडी से हटाना है और कैसे प्रोसेसिंग करना है, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं दैट इज फ्लीस। द फ्लीस उसको कहते हैं, दैट इज हेयर्स ऑफ सिप। इसका मतलब होता है हेयर्स। ये सिप का हेयर्स है और ये हेयर हम लोग गर्मी के दिनों में उसके बॉडी से हटाते हैं। और जब हम हटाते हैं तो उस हेयर्स में स्किन का अपर जो डेड लेयर होता है उसकी भी एक महीन परत उसके साथ चली आती है, जिसके कारण उसे हमें एस्कोरिंग के द्वारा हम उसको हटाते हैं। तो जब हम हेयर्स को निकालते हैं तो उस मेथड को बोलते हैं सीयरिंग, मींस रिमूवल ऑफ हेयर्स ऑफ सीप, मे बी याक, मे बी लामा, मे बी अंगोरा गोट और एनी वन वैरायटी ऑफ द गोट। तो जब हम हटाते हैं तो उस हमारे स्किन के डेड लेयर चले आते हैं। जिस तरह से हम लोग सेविंग करते हैं, हम लोग डेली सेविंग करते हैं, तो सेविंग के समय में हमारे हेयर्स की एक महीन झिल्ली आती है, विच इज नॉट पेनफुल फॉर द एनिमल और ऑल्सो फॉर अस। सो एंड आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिकली बियर्ड जो है, बियर्ड के जो हेयर्स हैं वो फिर से चले आते हैं। तो उसी ढंग से सिप के बॉडी से जब हम इसको निकालते हैं हेयर्स, तो उसी प्रोसेस से निकालते हैं। सो इट इज नॉट पेनफुल फॉर सिप और याक। जब हम इसको हटाते हैं इसके बाद हम एस्कोरिंग करेंगे, तो इसके दो मेथड हैं। जो हमारा पुराना मेथड है, जो हमारा पहले से चला आ रहा मेथड है, जिसको क्लासिकल मेथड कहेंगे, तो हम लोग एक बड़े से कंटेनर में लेकर और हॉट वाटर में और वार्म वाटर में हम इसको कुछ देर के लिए इसमें हेयर्स जो हैं, जो फ्लीस को थोड़ा वार्म करते हैं और इसको चलाते हैं किसी रॉड से या किसी स्टिक से। वी रोटेट इट एंड देन वी ड्राई इट। तो ये जो स्किन की लेयर है वो रिमूव हो जाती है। और एस्कोरिंग के बाद, ये मेथड है एस्कोरिंग का। एस्कोरिंग मींस रिमूवल ऑफ डेड लेयर ऑफ द स्किन। आजकल मशीन से भी
डिवाइस से भी इसको किया जाता है। दैट्स वाई आजकल फाइन वूल ऑप्टेन होते हैं एंड वी परचेज्ड वेरी गुड वैराइटीज ऑफ द वुलन क्लॉथ्स एंड वुल फाइबर फॉर वूविंग ऑफ स्वेटर। देन शॉर्टिंग, इस शॉर्टिंग में क्या होता है कि मान लो किसी कोई हेयर की लेंथ ज्यादा है, कोई हेयर छोटी है, दैट इज ये क्वाइल्ड है, तो इसको हम शॉर्टिंग करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, यानी एक तरफ लंबे लंबे वाले हेयर्स और एक तरफ छोटे छोटे कटे और स्मॉल साइज के हेयर्स को हम अलग करते हैं। ये मेथड जो लेबर करते हैं, जो श्रमिक करते हैं, उनके लिए हार्मफुल भी होता है एंड दे फेस द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया है, वो इन्फेक्शन हो जाता है जिससे दैट्स वाई द लेबरर्स फेस द ब्लड स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्लड डिजीज एंड ऑल्सो फेस द रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, क्योंकि ये छोटे छोटे जो हेयर्स हैं ये थ्रू द नॉस्ट्रिल इट इंटर्स एंड इट गोज इन टू द नेजल चैम्बर एंड ट्रैकिया एंड लंग्स। सो ये भी एक दैट इज ए हाई रिस्क, दैट्स वाई दोज इंडस्ट्रीज परफॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दे ऑल्सो टेक केयर। नाउ जब इसको कर देने के बाद फिर हम रोलिंग करेंगे, यानी कि ये जो फाइबर है, ये फाइबर को हम एक ग्रुप में कर लेंगे, एक बंडल में कर लेंगे, देन विद द हेल्प ऑफ मशीन, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी मेक ए फाइबर, कंटिन्यूअस फाइबर, एंड दैट इज मीन्स रोलिंग मीन्स दैट इज द क्वाइलिंग ऑफ फाइबर इनटू यार्न। हम फाइबर टू यार्न में हम कर लेंगे, यानी कि एक रोल कर लेंगे और देन दिस इज यूज्ड फॉर द मेकिंग थ्रेड। डियर स्टूडेंट, सिल्क जो है वो हमारे इंडिया में लगभग हर स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे राजस्थान है वहाँ पर इसकी संख्या ज़्यादा है, हरियाणा है वहाँ ज़्यादा है, या जैसे है हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू जो हमारे ठंडे और हाई अल्टीट्यूड के जहाँ टोपोग्राफी है वो बेल्ट में है, सम पार्ट ऑफ द यूपी, अर्लियर यूपी मीन्स उत्तराखंड, तो ये सब जगहों पर है। याक आपको लद्दाख में मिल सकता है, आपको लेह में मिल सकता है और लामा इज एक्चुअली इज फाउंड इन साउथ अमेरिका, और अंगोरा गोट दैट इज ऑल्सो फाउंड इन द जम्मू एंड कश्मीर। सो ये जो इस एनिमल से, इसके हेयर से, इसके फ्लिस से जो उल बनाए जाते हैं, दैट इज वेरी हाई क्वालिटी एंड स्मूथ, लस्ट्रस एंड इलास्टिक। तो ये अंगोरा गोट गिव्स द अंगोरा उल दैट इज कॉस्टली एंड दिस इज यूज्ड इन मेकिंग शॉल, दैट इज द पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल विच इज हाईली कॉस्टली। एक डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग, ये जो लंबे लंबे जो हेयर्स होते हैं वो ऊल थ्रेड के लिए होते हैं, ऊल थ्रेड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये जो छोटे वाले होते हैं ये ऊल क्लोथ के लिए। अब हम सिल्क मैन्युफैक्चरिंग और सिल्क प्रोडक्शन के लिए डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेरीकल्चर। लेकिन सेरीकल्चर का डिस्क्रिप्शन से पहले
मैं इसके डिस्कवरी पर थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ। सिल्क का जो नेटिव प्लेस है वो है चाइना। चाइना इज द नेटिव प्लेस। तो वहाँ के एक इम्पेरर के जो फीमेल इम्पेरर इम्प्रेस इम्प्रेस ने कुछ बॉटनिस्ट को, उस समय के बॉटनिस्ट को जो बॉटनी के विषय में, प्लांट्स के विषय में ध्यान देते होंगे, जो पैथोलॉजिस्ट थे, फाइटोपैथोलॉजिस्ट, जो प्लांट्स के डिजीज के विषय में या प्लांट का हेल्थ के विषय में जो स्टडी करने वाले लोग थे, उन लोगों से ये कहा कि ये जो मलबरी प्लांट है इसके पत्ते क्यों गिर जाते हैं, या किसी एक खास समय में इसके पत्ते डिसअपीयर ऐसा हो जाता है। तो वन डे इम्प्रेस वाज टेकिंग सिप ऑफ टी अंडर द मलबरी ट्री, मलबरी ट्री के नीचे बैठ के चाय पी रहे थे, उसी समय एक वाइट कोकून उनके टी कप में आके गिरा। तो नेचुरली टी इज हॉट वार्म। कुछ समय के बाद वो कोकून के लेयर्स हट गए और उसमें से थ्रेड निकल गया। उसके बाद इसका उन लोगों ने एक कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया। और जैसा कि बुक्स कहता है, आपका बुक्स कहता है कि करीब हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक हाई सिक्योरिटी में काफ़ी कॉन्फिडेंशियली सिल्क कल्टीवेशन किया गया, सिल्क कल्चर किया गया। और उसके बाद धीरे धीरे जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी लोग थे, ट्रेडर्स, वो बिजनेसमैन जो जाते थे, वो कुछ कुछ लेकर आते थे, और आपने उसी सिल्क के नाम पर सिल्क रूट का आपने नाम सुना होगा, जो एक रास्ता है जो चाइना और हिमालय के तरफ से निकलता है। तो वहाँ से इसकी स्टडी शुरू हुई और डिस्कवरी शुरू हुई। जो सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर में जो इंडिया का जो मोस्ट कॉमन वैरायटी है वो बॉम्बिक्स मोरी है। बॉम्बिक्स मोरी, बी मोरी, दैट इज द मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ द इंडिया। और सिल्क के जो क्वालिटी है उसमें मलबरी सिल्क जो होता है, मलबरी सिल्क, ये बेस्ट क्वालिटी की होती है। और इसके बाद तसर आया, इसके बाद इसके नीचे मूंगा आया, मूंगा सिल्क, और इसके बाद इरी सिल्क आता है। तो ये चार कैटेगरी है। सो मलबरी सिल्क इज द बेस्ट वन क्वालिटी। नाउ हम ये देखेंगे कि इस सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता है, इसकी जो रियरिंग है, जो ग्रोथ है, रियरिंग एंड ऑप्टेनिंग। रियरिंग मीन्स कंप्लीट केयर ऑफ द सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म में जो फीमेल सिल्क वॉर्म होती है, दैट इज द मोथ। बच्चों, जो ये वॉर्म होता है, तो एक हो गया मोथ और दूसरा एक टर्म है बटरफ्लाई। तो मोथ और बटरफ्लाई में अंतर यह है कि मोथ जो है वो अपने विंग को फैला के बैठती है, वो अपने विंग को हॉरिजेंटल रखेगी ऐसे, और बटरफ्लाई जो है वो अपने, जब वो बैठेगी कहीं ब्रांच पर या किसी सरफेस पर सिट करेगी तो अपने विंग्स को ऐसे रखेगी। दैट्स वाई बच्चे जो हैं उसको ऐसे पकड़ लेते हैं खेल में। मोथ, तो पहली डिफरेंसेस ये है कि मोथ ऐसे है, बटरफ्लाई के विंग्स ऐसे हैं। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मोथ जो होते हैं वो इवनिंग में, नाइट में आपको दिखाई देंगे और बटरफ्लाई डे टाइम में दिखाई देगा। तीसरा, बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं उस पर कई तरह के डिज़ाइन होते हैं, पैटर्न होते हैं। दैट्स वाई बटरफ्लाइज आर ब्यूटीफुल। और मोथ
के जो विंग्स होते हैं वो सिल्वरी होते हैं, सिल्क कलर के, मीन्स डल वाइट होते हैं। ओके, तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं मोथ एंड बटरफ्लाई में। तो जो फीमेल मोथ होती है वो सिल्क का प्रोडक्शन करती है, क्योंकि ये फीमेल मोथ जो है वो अपने अंडे को देती है। ये अंडे बैम्बू के ट्रे पर दिए जाते हैं, ठीक है, और वो जो अंडे हैं, अंडों की संख्या सैकड़ों होती है, हजारों में होती है। और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये अंडों का ट्रेड भी होता है, इसको बेचा भी जाता है, तो सोल्ड टू अदर फार्मर्स। तो उसको कपड़े में या पेपर में रखते हैं जो हाइजीन हो, और फिर ये अंडे जो देते हैं, ये छोटे छोटे अंडे, ये वाइट कलर के होंगे, वाइटिस कलर के होंगे। तो इसके बाद ये इसकी हैचिंग ऑफ एग्स होगी, अंडों से बच्चे निकलेंगे। तो जो बच्चे निकलते हैं वो दैट इज द लार्वा होते हैं, उसी को हम कैटरपिलर भी कहते हैं। कैटरपिलर जो होता है वो फीडिंग स्टेज होता है इसका, फीडिंग स्टेज यानी कि ये खाने वाला समय है। और ये दे फीड ऑन मलबरी लिप्स। तो जो मलबरी लिप्स होते हैं वो फ्रेश होने चाहिए, फ्रेश यंग लीफ। तो यंग लीफ को प्लांट से प्लकिंग करके और उस ट्रे में दे दिया जाता है, जो बैम्बू ट्रे जो बनाए जाते हैं, और इस पर ये जो कैटरपिलर है उसको खाता है। बहुत ये फास्ट ईटर होते हैं, और इनका जो ये पीरियड होता है वो 20-30 डेज होता है। फीडिंग का जो पीरियड है करीब 3-4 सप्ताह के बीच होती है, और तब ये कैटरपिलर, उसके बाद ये अपने हेड को, जैसे ये कैटरपिलर है मैंने एक डायग्रामेटिक व्यू, दिस इज द कैटरपिलर, दिस कैटरपिलर स्विंग द हेड, ये हेड को स्विंग करेगा ऐसे ऐसे, दे स्विंग लाइक इन डिजिट 8 मोड में, जो डिजिट 8 होता है वैसे, मीन्स लाइक दिस, दे विल रोटेट, दे विल स्विंग द हेड। और इस स्विंगिंग के कारण ये, और क्यों करता है हेड को, क्योंकि हेड में हैविंग सलेवरी ग्लैंड, इस सलेवरी ग्लैंड से वो सलाइवा को सिक्रीट करता है। और सलाइवा जो होता है ये प्रोटीन बिहेवियर का होता है, क्लियर, एंड यू नो दैट सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवा जो होता है वो प्रोटीन बिहेवियर का है, बायोकेमिकल, एंड इट रोटेट्स द हेड। तो हेड रोटेट करने के कारण इसके, और जैसे जैसे ये रोटेट करता है ये आगे की तरफ बढ़ता है, तो व्हेन इट विल रोटेट देन, और दिस कैटरपिलर इज गोइंग फॉरवर्ड। तो ये कैटरपिलर इस कोकून के अंदर चलाता है, ये कैटरपिलर है जो अंदर आ गया, और after 3 or 4 weeks के बाद इसी के अंदर कैटरपिलर मोथ में डेवलप कर जाएगा। तो सिल्क वॉर्म इज एन इंसेक्ट, तो इंसेक्ट्स के जो लाइफ साइकिल होते हैं वो एक लार्वा, पूपा एंड एडल्ट, एक लार्वा, पूपा एंड एडल्ट। एडल्ट को हम लोग इमागो भी बोलते हैं, बायोलॉजिकली इसको इमागो भी बोलते हैं। तो ये अंडे का स्टेज हो गया, ये लार्वल स्टेज हो गया, और जब ये
फीडिंग स्टॉप करेगा तो माउथ को घुमाना शुरू करेगा, यानी कि ये प्यूपा का स्टेज हुआ, और इसी के अंदर ये मोथ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये कैटरपिलर टू पूपा, अब पूपा से इमागो एडल्ट, यानी ये मोथ मोथ में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ हम कोकून को, जो कोकून आपने जो मलबरी के जो लिप्स डाले हैं उसके फूड के लिए, उसी पर कोकून चिपके हुए होते हैं, और जब ये स्पिनिंग शुरू करता है तो पहले किसी स्टिक को पेस्ट कर लेता है, वो बैम्बू स्टिक से वो पेस्ट कर लेता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लीफ है मलबरी का, मलबरी लीफ, इस पर ये कोकून मिल गया आपको, तो कोकून, और ऐसा हो सकता है कि जब ये आगे बढ़ते जाता है तो ये पीछे से नहीं निकल सकता है, ये आगे से निकलेगा। तो एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है कि उसके अंदर अभी है इंसेक्ट, और आप इस कोकून को लेकर पुट इनटू, इस कोकून को आपने ले लिया और इसको वार्म वाटर या अंडर सनलाइट आपने इसको रख दिया, या एक एक फिक्स टेम्परेचर पर अराउंड 30-35 डिग्री पर इसको आपने वार्म कर दिया, देन द अपर सरफेस ऑफ द प्रोटीन इज रिमूव्ड एंड कंप्लीट थ्रेड इज ऑब्टेंड। दिस थ्रेड इज शाइनी, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। सिल्क का जो एक थ्रेड होता है वो स्टील का एक थ्रेड के जैसा ही और लगभग मजबूत होता है और स्ट्रॉन्ग होता है वो, और उसमें टेंसिल बिहेवियर भी होते हैं। और इसके बाद हम इस थ्रेड को रीलिंग मेथड से, जब ये आपको ऑप्टेंट हो जाएगा तो हम इसको रीलिंग करेंगे। रीलिंग करने का मतलब है कि उसका एक, आपने धागे का रील देखा होगा, जब आप धागा खरीदने के लिए जाते हैं तो एक रील मिलता है जिसमें धागे लपेटे हुए होते हैं, तो आप रीलिंग करना, इस ढंग से रीलिंग किया जाता है। तो ये आपका सेरिकल्चर का इंटायर डिस्क्रिप्शन है। सेरिकल्चर आसाम और नॉर्थ ईस्ट, कर्नाटका, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इसकी काफ़ी ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग होती है और इसका कल्टीवेशन होता है। तो ये आपका चैप्टर 3 का डिस्क्रिप्शन है। सो द चैप्टर 3 इज एंडेड नाउ।